बहुत बड़ा गलत है कि उन लोग को बड़ा वाला गेट खोलना चाहिए था, क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है, इसलिए निकालने के लिए है ना, बच्चों लोग को इधर से निकालना चाहिए था, उधर से अंदर घुसवाना चाहिए था। यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है, छोटा गेट है, बच्चा लोग जाने में दिक्कत हो रहा है, बड़ा गेट से ले जाना चाहिए बच्चा लोग अंदर करना। और दूसरी स्कूल जो है सर, वो सिस्टम थोड़ा सा सही करे, क्या है कि बीच में भागदड़ मच जाएगी या कुछ हो जाएगा तो नुकसान तो पब्लिक का है। अब सब कुछ देखते हुए देखिए, गार्जियन इतना परेशान है, बच्चे लोग परेशान है कि एक्साइटमेंट अलग है उनको जाने के लिए, कितना जल्दी पहुँचे सेंटर पर हम, उसके कारण थोड़ा सा स्कूल को प्रोवाइड करना चाहिए, बड़ी गेट का खोलने का इंतजाम करना चाहिए अपना सब। तो कैसे आप आदर्श परीक्षा केंद्र आप चुन लिए इसको, किसी तरह का कोई ना स्टूडेंट के लिए ना उस गार्जियन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। जी नमस्कार, आप देख सकते हैं एक न्यूज 24, मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ शास्त्री नगर में। यहाँ पे बालिका उच्च मध्य विद्यालय आज 10th का एग्जाम है, आप देख सकते हैं किस तरह से इतने छोटे से गेट के माध्यम से बच्चियों को यहाँ पे प्रवेश का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरह से, आप कैमरे के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँ किस तरह से कंजेस्टेड हो चुका है यहाँ पे और कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बच्चियाँ मौजूद हैं, मैं इनसे देख सकते हैं आप इधर किस तरह से यहाँ पे धक्का मुक्की भी हो रहा है और बच्चियों को दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो अभिभावक है मैं उनसे भी बातें करूँगा। जी इतना छोटा सा गेट है और इतने सारे बच्चे हैं, दिक्कत हो रहा है या नहीं? दिक्कत हो रहा है सर, दिक्कत हो रहा है। हाँ जी। इसके लिए प्रशासन या इसके लिए स्कूल जो है उतना बड़ा गेट छोड़कर यहाँ से क्यों एंट्री करवा रही है? ये तो गलत है, सरासरी गलत है। यहाँ पे इतना तादाद में जो बच्चे आए हुए हैं, यहाँ पे धक्का मुक्की वाला सिचुएशन बना हुआ है, इसके लिए स्कूल प्रशासन को मेन गेट ना खोलकर ये छोटे से गेट से ये लोग एंट्री करवा रहे हैं। नहीं, बड़ा गेट, बड़ा जी जी इधर आके आगे आके बोले, क्या बोल रहे हैं? बहुत बड़ा गलत है कि उन लोग को बड़ा वाला गेट खोलना चाहिए था, क्योंकि कैंडिडेट ज्यादा है, इसलिए निकालने के लिए है ना, बच्चों लोग को इधर से निकालना चाहिए था, उधर से अंदर घुसवाना चाहिए था। यहाँ की व्यवस्था ठीक नहीं है, मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था ठीक नहीं, नहीं व्यवस्था ठीक नहीं जी, आप देख सकते हैं मैं आपको जी जी क्या बोल रही हैं आप मैम? छोटा गेट है, बच्चा लोग जाने में दिक्कत हो रहा है, बड़ा गेट से ले जाना चाहिए बच्चा लोग अंदर करना। और दूसरी बात ये है कि यहाँ लड़कियाँ अंदर प्रवेश कर रही हैं, ना कि लड़के, लड़कियों के साथ यहाँ पे धक्का मुक्की मैं देख रहा हूँ जिस तरह से यहाँ पे, मतलब छोटा सा गेट है इसमें प्रवेश हो रहा है, यहाँ लड़के मौजूद है, पुरुषें मौजूद है, इस बीच में धक्का मुक्की करके लड़कियाँ अंदर जा रही हैं। हाँ सही बात है जी। तो आप जी 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 इधर इधर आगे आके बोलेंगे, आगे आके बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं आप? स्कूल जो है सर, वो सिस्टम थोड़ा सा सही करे, क्या है कि बीच में भागदड़ मच जाएगी या कुछ हो जाएगा तो नुकसान तो पब्लिक का है, क्योंकि वहाँ लोग परिस्था लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, भीड़ हो रहा है, तो वो लोग उधर इंटर कर रहे हैं, इधर से इंटर कर रहे हैं, उधर से निकाल भी रहे हैं, तो दिक्कत तो है, समस्या थोड़ा सा, समस्या को समाधान तो करेंगे स्कूल मैनेजमेंट ही करेंगे ना। देख सकते हैं आप कैमरे के माध्यम से भी कि आप इस तरह से बच्चे जा भी रहे हैं अंदर और इसी गेट से मतलब बच्चे आ भी रहे हैं अंदर से, आप देख सकते हैं यहाँ पे। जी क्या बोल रही हैं? यहाँ पे एक महिला मौजूद है, ये कुछ बोलना चाह रही हैं। जी क्या बोल रही हैं? धक्का हो गया था, बच्चा लोग धक जाने में दिक्कत हो गया था। अभी आप बोल रही हैं कि कुछ बच्चे गिर भी गए थे? हाँ गिरने के लिए हुआ, झुक गए था गिरने के लिए। जी आधार कार्ड भी किसी का गिर गया था लड़के का। इतना कंजेस्टेड होने के कारण मतलब बच्चों को काफी दिक्कतें। जी सर, जी सर, आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, यहाँ लोग तो मौजूद है लेकिन ये जो सिस्टम बना हुआ है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इतना छोटा सा गेट के माध्यम से बच्चे जा भी रहे हैं और आ भी रहे हैं, पता नहीं क्यों उस वाले गेट को जो वहाँ पे बड़ा है उसको बंद किया गया है, जबकि उसमें आराम से बच्चे आ भी सकते थे और जा भी सकते थे। यहाँ पे स्कूल के तरफ से थोड़ा सा जो व्यवस्था है उसमें ढीलापन देखने के लिए मिल रहा है, आप देख सकते हैं कितना कंजेस्टेड हो चुका है यहाँ पे जी, इससे 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 बच्चों को कितने परेशानी हो रही है। तो हो रही है सर, अब सब कुछ देखते हुए देखिए, गार्जियन इतना परेशान है, बच्चे लोग परेशान है कि एक्साइटमेंट अलग है उनको जाने के लिए, कितना जल्दी पहुँचे सेंटर पर हम, उसके कारण थोड़ा सा स्कूल को प्रोवाइड करना चाहिए, बड़ी गेट का खोलने का इंतजाम करना चाहिए अपना सब लेके करना चाहिए सब कुछ। आपका कहना तो सही है लेकिन यहाँ एक सोच देख सकते हैं, यहाँ पे मीडिया को भी हटाने वाली बात हो रही है, आप देख सकते हैं पीछे से मुझे भी अभी धक्का दिया गया, आप साइड हट जाइए, इतना कंजेस्टेड यहाँ पे है, इतना कंजेस्टेड है कि बच्चे अच्छे से जा भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं और भी लोगों से बातें करूँ। जी जी आदर्श परीक्षा केंद्र है लेकिन आदर्श के कुछ तो नजर नहीं आ रहा, कोई विशेष फैसिलिटी तो है नहीं, तो कैसे आप आदर्श परीक्षा केंद्र आप चुन लिए इसको, किसी तरह का कोई ना स्टूडेंट के लिए ना उस गार्जियन के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, तो आदर्श परीक्षा केंद्र किस नाम से इसको आप कह रहे हैं, कहीं से तो आपको नजर नहीं आ रहा कि आदर्श परीक्षा केंद्र है। लेकिन यहाँ पे अभी बात हो रही है गेट की, जब यहाँ बड़ा वाला गेट अवेलेबल है आपका, उसके बावजूद आप छोटे गेट से क्यों एंट्री करवा रहे हैं? बिल्कुल वही ना आदर्श कहते हैं कि कैसे, तो फिर बड़ा गेट उनको खोलना चाहिए, जबकि बाहर जो फर्स्ट सीटिंग का बच्चा लोग निकल के बाहर जा चुका है,
तो जैसा कि अभी आपने देखा कि आदर्श परीक्षा केंद्र था राजकीय उच्च मध्य विद्यालय, बच्चों के लिए किस तरह से यहाँ पे कंजेस्टेड हो गया था और परिवार भी जो किस तरह से मतलब ऐसी बातें कहें कि बच्चों को कितनी दिक्कतें हो रही हैं और दिक्कतों का सामना किया जा रहा है। मैं बस यही पूछना चाहूँगा कि जो बड़ा वाला गेट था उसको बंद करके छोटे वाले गेट से एंट्री और एग्ज़िट कराने की कोशिश क्यों की जा रही थी और कहीं ना कहीं बच्चों और परिवार दोनों को बहुत तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी करण के साथ पटना।